नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त की खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से, जहां तहसील सदर के कर्मचारी कर रहे हैं भूमाफियाओं की मदद। उस्मान पाश ने कही बड़ी बात। भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता ने तहसील सदर में प्रदर्शन कर सौंपा अधिकारियों ज्ञापन। वहीं शनिवार को भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता से जुड़े किसानों ने तहसील सदर परिसर में एकत्रित होकर ग्राम पहाड़ी में भूमाफिया द्वारा कब्रिस्तान और रास्ते की जमीन पर अवैध कब्जा किए जाने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। इसमें पूर्व किसानों को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष उस्मान अली पाशा ने कहा, तहसील सदर के अधिकारी और कर्मचारी भूमाफियाओं के हाथों बिक चुके हैं और कठपुतली बनने का काम कर रहे हैं। ये डालते हैं विवेक कश्यप संवाददाता की एक रिपोर्ट पर नजर, उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले जी। मामला ये है कि हम पिछले काफी समय से इस तहसील सदर का एक गांव पड़ता पहाड़ी, वहां पर कई भूमाफियाओं ने सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जे कर रखे हैं और उस संबंध में हम निरंतर धरने प्रदर्शन करने के बाद में उच्च अधिकारियों को अवगत करा रहे हैं, लेकिन उनकी ऊंची पहुंच के आगे यहां के अधिकारी बिल्कुल बौने साबित हो रहे हैं। और यहाँ पर एक लेखपाल हैं महीपाल सिंह सागर, वो जो हैं पूरी तरह से भूमाफियाओं के शिकंजे में उन्होंने तहसील सदर को कर रखा है, क्योंकि पहले वो नानकार में लेखपाल थे, सैंगनी नानकार में, वहाँ पर उन्होंने बहुत सी सरकारी ज़मीनों को फर्जी तरीके से पट्टे कराए जो वहाँ के भूमाफिया लोग थे। अब ऐसा ही उन्होंने ग्राम पहाड़ी और अहमदनगर पहाड़ी में करने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी कहानी यह है कि वहाँ पर एक भूमाफिया मुकुल अग्रवाल है, उसने पहले तो एक मंदिर की ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रखा है, जिसके संबंध में हमने शिकायत की, तालाब की ज़मीन पर उसने कब्जा कर रखा था। तो शिकायतें हमने कई बार की, तो पहले तो यहाँ के लेखपाल जो महीपाल सिंह सागर हैं उन्होंने ये दिया कि वो तालाब कब्जा मुक्त है। जब हमने तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय को ले जाकर वहाँ पर मौका मुआयना कराया, तो उन्होंने देखा कि उस तालाब पर भूमाफिया मुकुल अग्रवाल का कब्जा है, तो इन्होंने आनंद फानंद में उस तालाब को कब्जा मुक्त कराया। और उस पर कम से कम भी नहीं तो लाखों रुपये की लकड़ी थी, जो वो पेड़ इन्होंने अवैध रूप से कटवा दिए। हमने कई बार जब इसका वो किया तो इन्होंने ये कोशिश की कि वो तालाब जो था कब्जा मुक्त करा दिया, लेकिन आज तक उसका खुदान नहीं हुआ। चलिए ठीक, अब दूसरा उन्होंने काम ये किया कि वहाँ पर एक कब्रिस्तान की भूमि है, घाटा संख्या 18। होता क्या है कि पहले बहुत गांव, मेरे गांव में भी है, कई जगह पे है कि जो तालाब की भूमि वो कब्रिस्तान जो है, जहाँ पे कब्रिस्तान है वो जो सरकारी कब्रिस्तान है उसके बराबर में निजी कब्रिस्तान, तो निजी कब्रिस्तान की जो भूमि थी वो मुकुल अग्रवाल के नाम करा दी गई, घाटा संख्या 18, उसके बराबर में घाटा संख्या 17 है। और उसका जो रास्ता है गाढ़ा संख्या 17 का, वो गाढ़ा संख्या 18 में होकर था, वो वहाँ के मौके पर जाके आज भी वास्तविक स्थिति देखी जा सकती है। तो यहाँ पर महीपाल सिंह सागर जो लेखपाल हैं और कानून गो वगैरह ने मिली भगत करके उस ज़मीन की फर्जी तरीके से पैमाइश की, जबकि श्रीमान उप जिलाधिकारी का आदेश मेरे पास है, जिसको ज़रूरत हो आप मीडिया बंधु आपको जब आवश्यकता हो तो आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो वो उसमें उन्होंने आदेश दिया कि उस ज़मीन के आसपास में कब्रिस्तान और तालाब गड्ढे पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से पैमाइश नहीं हो सकती। लेकिन संज्ञान में यह आया, काफ़ी मोटे पैसे लेकर महीपाल सिंह सागर ने जो लोग यहाँ के जो तहसील सदर के कर्मचारी हैं उसकी पैमाइश कराई और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की है, जबकि रामपुर गंगा जमनी तहजीब का शहर जिला रहा है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई लोग।